चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट होम। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, द स्टार। हैव यू रिमेंबर दिस नर्सरी राइम? यस, आई ऑल्सो। आप सब ने पढ़ी होगी ना ये पोम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वॉट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। कुछ याद आया? यस, बट हमने उस टाइम ये पोम ओनली वन स्टेंजा, केवल एक ही स्टेंजा पढ़ा था। नाउ वी विल रीसाइट मोर स्टेंजास। तो इसका मतलब पता है आपको क्या हुआ? इन दिस पोम द पोएट एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। व्हेन ही सीज स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, द चाइल्ड टॉक्स टू अ स्टार, चाइल्ड जो है स्टार से बातें करता है। यू आर विच अपियर्स वेरी लिटिल ड्यू टू अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, जो स्टार है वो बहुत दूरी पे है। तो द चाइल्ड सेज, ओ लिटिल स्टार यू आर वेरी हाई अबव, जो लिटिल स्टार आप बहुत हाई हो, बहुत ऊंचे हो। द अर्थ एंड यू आर शाइनिंग लाइक अ डायमंड, और अर्थ और स्टार दोनों डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं। आई एम वेरी मच सरप्राइज टू सी यू ट्विंकलिंग, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप ऐसे ट्विंकल कर रहे हैं, ऐसे शाइनिंग कर रहे हैं। बट आई डू नॉट वॉट यू आर, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि आप क्या हैं। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, व्हेन नथिंग शाइन्स अपॉन, देन यू सी योर लिटिल लाइट, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट। इट मीन्स द चाइल्ड सेज दैट व्हेन द बर्निंग सन सेट्स इन द इवनिंग, जो सन जो है वो शाइनिंग जो करता है मॉर्निंग में, वो जब इवनिंग में सेट होता है, अस्त होता है, नथिंग इज देयर टू शो इट्स ब्राइटनेस देन यू। मतलब तब जो है सन की जो शाइनिंग तो खत्म हो जाती है और स्टार्स चमकने लगते हैं। द लिटिल स्टार्स बिगिन टू शो योर ब्राइटनेस एंड ट्विंकल्स ऑल द नाइट इन द स्काई, और जो लिटिल स्टार हैं वो अपनी ब्राइटनेस को पूरे स्काई में इल्यूमिनेट कर देते हैं, चमका देते हैं, रोशनी से भर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, देन द ट्रेवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर योर टाइनी स्पार्क, हाउ कुड ही सी वेयर टू गो इफ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। इट मीन्स द चाइल्ड सेज, ओ लिटिल स्टार इफ यू डू नॉट ट्विंकल एट नाइट, लिटिल स्टार अगर आप नाइट में, रात में ट्विंकल नहीं करोगे, शाइनिंग नहीं करोगे, देन हाउ अ ट्रैवलर कुड सी द डायरेक्शन ऑफ हिज डेस्टिनेशन। तो जो ट्रैवलर है, जो रास्ते में जो जा रहे हैं, वो अपने डेस्टिनेशन को, अपनी मंजिल को कैसे पाएंगे? इट इज़ बिकॉज व्हेन देयर इज़ अ डार्क ऑल अराउंड, क्योंकि अगर चारों तरफ अंधेरा होगा, देन ओनली स्टार्स गिव अस सेंस ऑफ डायरेक्शन। तो केवल स्टार्स ही हैं जो अपनी रोशनी से रास्ता दिखाएंगे। द चाइल्ड सेज, व्हेन अ ट्रैवलर टेक्स योर हेल्प ही थैंक यू होल हार्टेडली। तो वो चाइल्ड कहता है कि जब ट्रैवलर जो है आपकी हेल्प लेता है, आपकी मदद लेता है जाने के लिए, रोशनी की के लिए, तो वो अपने पूरे दिल से आपको थैंक्स कहता है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, In the dark blue sky you keep, often through my curtains peep, for you never shut your eye till the sun in the sky. The child says, oh little star, you do not disappear from the sky until the sun rises, and you after peep into my home through the curtains. तो जो चाइल्ड है वो बोलता है, आप जब तक डिसअपियर नहीं हो सकते, आप जब तक गायब नहीं हो सकते फ्रॉम द स्काई, स्काई में से, अनटिल, जब तक कि सन राइज नहीं हो जाता है, सन निकल नहीं जाता है,
आफ्टर पीप इन टू माई होम थ्रू द कर्टन्स, जब तक वो मेरे कर्टन्स के पीछे से झांकता नहीं है, दिखता नहीं है, तब तक आप डिसअपियर नहीं हो सकते. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, एज योर ब्राइट एंड टाइनी स्पार्क लाइट्स द ट्रेवलर इन द डार्क, दो आई नो नॉट वॉट यू आर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. द चाइल्ड सेज, बच्चा कहता है, ओ लिटिल स्टार इट इज़ अ फैक्ट, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सही है, दैट आई डू नॉट नो वॉट यू आर, कि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, बट आई नो इट वेल दैट यू हेल्प द पर्सन, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि आप उस पर्सन की हेल्प करते हो हु ट्रेवल्स एट नाइट, जो रात में अपने डेस्टिनेशन की ओर जाता है, अपनी मंजिल की ओर जाता है, अपने रास्ते की ओर जाता है, एंड यू शो हिम राइट डायरेक्शन, और आप बिल्कुल उसको सही रास्ता दिखाते हैं, एंड इल्यूमिनेट हिज पाथ, और उसकी रास्ते को जगमगा देते हैं. ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस इज द पोम. आई होप यू ऑल आर एंजॉयड. थैंक यू.